नाउ लुक हियर, ये है बीच वाला पोर्शन सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, यू नो दैट सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम से फाइब्रस पेरिकार्डियम टीथर था जो कि हमने काट के हटाया है, और पेरिकार्डियम से यू नो परफोरेट करके देयर वाज दिस इन्फीरियर वेना कावा कमिंग आउट, ये है इन्फीरियर वेना कावा जो कि सेंट्रल टेंडन में ओपनिंग है। उसके बाद एक ये स्ट्रक्चर है ना, दिस यू सीइंग इज द ईसोफेगस, दिस इज द ईसोफेगस, ये ईसोफेगस जो है ये मस्कुलर पोर्शन ऑफ द डायफ्राम से पास होती है, ठीक है, तो मस्कुलर ओपनिंग से पास होती है। इसके साथ में दोनों क्या होता है, वेगस ट्रेवल करेंगे, साथ साथ ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन जाएंगे। इन्फीरियर वेना कावा ओपनिंग से भी एक और स्ट्रक्चर पास होता है, वो क्या होता है, फ्रीनिक नर्व, द राइट फ्रीनिक नर्व, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा ये दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज द थोरैसिक ऑर्टा विच कंटिन्यूज एज एब्डोमिनल ऑर्टा। तो ये जो है T12 लेवल पे ऑसियो मस्कुलर ओपनिंग कह सकते हो, जो कि कंप्लीट ओपनिंग नहीं है, अदर टू आर द कंप्लीट ओपनिंग्स, बट ऑर्टिक ओपनिंग जो होती है T12 वर्टिब्रा के सामने होती है, दोनों क्रस्ट से बनी होती है, तो इट्स नॉट अ कंप्लीट ओपनिंग, इट्स अ ऑसियो मस्कुलर ओपनिंग, पार्टली मस्कुलर पार्टली हड्डी है T12। तो दिस लाइज एट द लेवल ऑफ T12। What are the other structures that pass along with abdominal aorta? So this aortic opening you have is zygous vein, thoracic duct. They also pass out along with this aortic opening. देखो इसके अंदर कितना सारा ब्लड निकल रहा है। तो ये मेजर ओपनिंग्स है T12 aortic, T10 esophageal and T8 is the IVC opening. T8 is also supposed to be the highest level of the dome of the diaphragm in an erect posture.